दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 पूर्णांक, और उसमें करेंगे 6.1 इंटीजर्स। अब पहले बात करते हैं कि इंटीजर्स हैं क्या। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, तो जो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 या ऑनवर्ड लिखी जा सकती हैं, ठीक है, मतलब उससे आगे भी लिखी जा सकती हैं। सेकेंड बात करते हैं होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या होती है जो 0 से लिखी जाती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, आगे तक। अब बात करते हैं पूर्णांक, जैसे हमारे पास नंबर लाइन होती है, ठीक है, तो नंबर लाइन हम सेंटर में लिखते हैं 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे -1, -2, -3, -4। तो पूर्णांक क्या है, क्योंकि हम पूर्णांक, हमारा चैप्टर का नाम ही पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, तो हमें इन्हें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, तो इसमें मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी नंबर हैं सबको बोलते हैं हम इंटीजर्स। तो नंबर लाइन है, तो 0 से हमारे पर यहाँ से हमारा विभाजन या डिवीज़न होता है, ये हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर, प्लस वाले ये होते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको प्लस और माइनस करना भी सीखेंगे, बट अभी थोड़ा जो हम इस चैप्टर में करेंगे एक्सरसाइज में वो देख लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला 1, 2, 3, तो ये हमारा राइट साइड है, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट साइड। जब हम इधर साइड मुड़ते हैं तो ये हमारा राइट मतलब दाईं ओर, जब बैक साइड जाएंगे तो उसको बाईं ओर, ठीक है। अगर जैसे मैंने इसमें पूछा कि 1 और 2, तो राइट साइड कौन सा है, तो राइट साइड 2 है और लेफ्ट साइड 1 है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, अगर मैंने लिखा -4 और -3, अब इसमें से कौन सा बड़ा है। तो बच्चा, इंटीजर्स में हम क्या करते हैं, जो नंबर हम पहले लिखते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 3 हमने पहले लिखा, 4 हमने बाद में लिखा, तो जो हम पहले लिख देते हैं वो हमारा बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता पॉजिटिव में, 3, 4, 4 बड़ा है तो 4 बड़ा है, ठीक है। -5 और 5, इसमें से कौन सा बड़ा है, 5, और 1 और -2, यहाँ से हमारा 1 बड़ा है, ठीक है। और अगर हम जैसे टेम्परेचर की बात करें, अगर कहीं का टेम्परेचर -1 है और कहीं का टेम्परेचर 20 है, तो कहाँ पे ज़्यादा सर्दी होगी, जहाँ पे -1 है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे गर्मी होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। बात करते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्ट की। तो जैसे हम बात करते हैं कि एडिशन या योग की बात करेंगे, तो जैसे हमारे पास दो वैल्यू हैं, जैसे माइनस और माइनस, तो जब दो वैल्यू माइनस की आएंगी तो उनको हम क्या करेंगे, प्लस, क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। जैसे -2 और -6, तो आंसर आएगा -8, ठीक है, और साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे। अगर हमारे पास दो वैल्यू आती है, दोनों ही प्लस की है, तो उनको हम क्या करेंगे, प्लस और साइन बड़ी वैल्यू की। अगर 1+1- है, 1-1+, तो उसको क्या करेंगे, माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का, ठीक है। जैसे देखो, अगर यहाँ से नेगेटिव साइड से हमारे कोई भी नंबर आते हैं उनको हम प्लस करते हैं, -4, -3, तो आएगा -7। 2 और 4 दोनों पॉजिटिव हैं, तो उसको लिखेंगे 6। नेक्स्ट 6 और -5, तो आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। नेक्स्ट -6 और +5, तो प्लस माइनस, तो -1। अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि कैसे हम किसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ याद रखना है कि अगर नेगेटिव की तरफ से कोई भी नंबर आएंगे तो उनको हम प्लस करेंगे, अगर पॉजिटिव की तरफ से कोई नंबर आएंगे तो हम उसको प्लस करेंगे, लेकिन अगर एक नंबर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, एक नंबर हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो उनको हम हमेशा माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज। तो इसमें हम सबसे पहले क्या है कि निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, मतलब राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें अपोजिट बताना है। जैसे हमने लिखा भार में वृद्धि या इंक्रीज इन वेट, तो वृद्धि का अपोजिट क्या होगा, कमी, तो भार में कमी और डिक्रीज इन वेट, तो पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, मतलब 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का क्या होता है, साउथ, ठीक है, तो 30 किलोमीटर साउथ या दक्षिण दिशा। 80 मीटर पूर्व या ईस्ट, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 80 मीटर वेस्ट या पश्चिम। अब लिखा है 700 रुपये की हानि, लॉस ऑफ 700, तो क्या लिखेंगे, लॉस प्रॉफिट ऑफ 700, मतलब लाभ लिखेंगे, ठीक है। लिखा समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, अब समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, 100 मीटर बिलो सी लेवल, यहाँ पे अबव था, ठीक है, मतलब अपोजिट लिखने हैं सारे। अब
ऐसे भी हो सकता था चार नंबर आगे तो हम लिखते चार नंबर पीछे, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, अपोजिट है। और लिखा निम्नलिखित प्रयोग की हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखो। मतलब हमें क्या करना है कि नंबर बताना है, अगर कोई चीज़ नीचे है या कम है तो उसको माइनस, अगर कोई ज़्यादा है तो उसको प्लस, ठीक है। देखते हैं, लिखा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज अ इंटीजर्स विद द एप्रोप्रिएट साइन। मतलब हमें साइन के साथ बताना है। अब एन एरोप्लेन इज अ फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर अबव द सी ग्राउंड। अब मतलब एक हवाई जहाज है जो भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है तो प्लस में 2000 मीटर, ठीक है, साइन ही बताने हमें। अ सबमरीन इज अ मूविंग एट द डेप्थ ऑफ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अ सबमरीन है एक पनडुब्बी है जो समुद्र तल से 800 मीटर नीचे गहराई में चल रही है, तो क्या लिखेंगे, माइनस। अगर ऊपर है तो प्लस, अगर नीचे है तो माइनस। अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200, मतलब खाते में 200 रुपये जमा, 200 मतलब प्लस, अगर निकालते तो माइनस, ठीक है। देखो आगे हमारा क्वेश्चन, विड्रॉल ऑफ द रुपीज 700, तो माइनस का 700, ठीक है, वो निशान लगाने थे। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। अब हमें माइनस 5 है और नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाई हमने, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5, हमें क्या करना है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 हमारा ये है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन हो गई, अगर इसमें माइनस 3 पूछते तो ये, 1 पूछते तो ये, ठीक है। नेक्स्ट 10 है तो हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ से देखो माइनस 10 है तो माइनस 10 पे हमने नंबर लगा दिया, ठीक है, नंबर लाइन। प्लस का 8 है, नंबर लाइन बनानी है, और प्लस का 8 है तो प्लस का 8, ठीक है। माइनस 1 है, नंबर लाइन बनाई हमने, माइनस 1 पे हमने इंडिकेट कर दिया, ठीक है, इसको बनाना, इसको बोलते हैं नंबर लाइन पे बनाना। ई है, हमें माइनस 6 बताना है तो माइनस 6 ये हो गया, ठीक है। कि इसमें कोई से भी नंबर पूछ सकते हैं, दो नंबर भी इवन पूछ सकते हैं, या बहुत सारे नंबर एक साथ पूछ सकते हैं, जैसे मैंने इसमें बोल सकते हैं -3 -2 -1 -0, इन सबको प्लॉट करने के लिए बोल सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ सब नंबर लिख सकते थे हम, ठीक है। अगला है, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांक को निरूपित कर रहे हैं, इस संख्या को देखिए और निम्नलिखित बिंदु के स्थान लिखिए। मतलब एडजेसेंट फिगर एज अ वर्टिकल नंबर लाइन दी प्रेजेंट इंटीजर्स, ऑब्जर्व एंड फाइंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। मतलब हमें क्या बोल रहे हैं, एक नंबर लाइन थी ये, वैसे आपको वो एनसीईआरटी बुक में हॉरिजॉन्टल से मिलेगी, बट मैंने आपको सही से दिखे इसलिए इसको वर्टिकली बनाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये हमें क्या बोला, एक पूर्णांक मतलब एक इंटीजर शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तक है, और ये हमारे 1 2 3 4, ये माइनस में है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, यदि बिंदु डी पूर्णांक 8 है तो माइनस 8 वाला बिंदु कौन सा है। देखो अगर डी हमारा 8 है, अगर हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है लेकिन उन्होंने ए बी सी लिखे हुए, कई को गैप दे रखा है, ठीक है, तो ये 8 है तो माइनस 8 कौन सा होगा, तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो माइनस एफ है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, माइनस 8 को। अब उन्हें इस पॉइंट जी आ नेगेटिव इंटीजर ऑन अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जी बताना है कि एक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो जी देखो यहाँ से हमारे नेगेटिव है तो क्या कर रहा है, वो नेगेटिव है, तो जी क्या हमारा नेगेटिव है। बोले बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक बताओ, मतलब बी और ई है कहाँ पे, पहले बी देखते हैं, बी हमारे पास ये है, ई हमारे पास ये, तो बी देखते हैं 1 2 3 4, तो बी हमारा क्या है 4 है और ई हमारा क्या है -10 है, ठीक है, तो बी हमारा 4 है, ई हमारा -10 है। लिखा इस संख्या पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे बड़ा है, अब देखो सबसे कम है, तो सबसे कम सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, -10, ठीक है, और सबसे बड़ी कौन सी है 8। लिखा सभी बिंदुओं को उनके घटते क्रम में लिखो, अब घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है, सॉरी घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो इसमें हमारे देखो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, घटते क्रम लिखना है, तो यहाँ से शुरू हो जाए, पहले हमारे पास डी सी बी ए ओ एच ओ एफ, और तो यहाँ से यहाँ तक आएगा क्या आएगा हमारे पास, घटते क्रम, ठीक है, तो ये हमारे हो गए घटते क्रम। अब क्या बोल रहे हैं कि वर्ष के किसी दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रह रहे तापमानों की सूची दी गई है, ठीक है,
तो फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ फाइव इन इंडिया कैन अ पर्टिकुलर डे ऑन अ ईयर, मतलब देखो हमें क्या बोला है यहाँ पे, कुछ हमें नाम दे रखे हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखोगे तो प्लेस है, प्लेस में हमें नाम दे रखे हैं, हमें टेम्परेचर गिवन है, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, जो मैंने आपको फिल कर रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखो। तो जितना भी हमें तापमान दे रखा है उनको पूर्णांक, मतलब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के चलना है कि कैसे लिखेंगे। तो जैसे बोला सियाचिन, ठीक है, सियाचिन का टेम्परेचर था 10 डिग्री बिलो, मतलब 10 डिग्री जीरो से 10 डिग्री नीचे, तो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है। शिमला का था 2 डिग्री नीचे, तो माइनस का 2 डिग्री। अगला है अहमदाबाद, 0 से 30 डिग्री ऊपर, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, तो प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिल्ली का था 0 से 20 ऊपर, तो प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का था 0 से 5 डिग्री नीचे, तो माइनस का 5, ठीक है। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे, ये हम फिल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित संख्या डिग्री सेल्सियस को तापमान पर निरूपित करो, ठीक है। हमें इनको क्या बनाना है, संख्या रेखा पर बनाना है। तो अब देखो हमारे पास जो हाईएस्ट है वो 25 भी है उसमें, 20 भी है ना, तो हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ली हमने, और ज़रूरी नहीं है एक एक का लेके इसको हम गैप करके बना सकते हैं। जैसे इधर 2 का टेबल लेके, 3 का टेबल लेके, उनके बीच में हम 5 को काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने 0 से लेके 5 तक लिया, इसके बीच में 5 नंबर काउंट करूँगी, 1 2 3 4 ये 5 है, ठीक है। तो हमें शिमला देखो, यहाँ से अगर हम सियाचिन देख रहे तो हमारा कितना था, वो 10 था, तो हमने 10 पे क्लिक कर रखा है। श्रीनगर 5 था, शिमला 2 था, दिल्ली 20 था, अहमदाबाद 30 था, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया इनको, संख्या रेखा पे। अब बोल रहे हैं कौन सा शहर सबसे ठंडा है, बेटा जो माइनस की वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है वो सबसे ज़्यादा छोटी है। तो सबसे सियाचिन था, माइनस का 10 था, तो सबसे ठंडा कौन सा है, सियाचिन, ठीक है। विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सियाचिन। अब लिखा है उन स्थानों के नाम बताओ जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। तो 10 डिग्री से ऊपर देखो कौन कौन से हमारे, राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द टेम्परेचर इज द अबव 10 डिग्री, तो अहमदाबाद और दिल्ली, ठीक है, ये क्या हमारे 10 से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या रेखा के दूसरी और दाईं ओर, मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन ही बता रहे हैं, तो बता रहे थे कि दाईं कौन सी है, बाईं कौन सी है, ठीक है। तो करते हैं, तो हमें 2 नंबर हैं, उन दोनों में से बताना है कि कौन सा दाईं ओर है। इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच द नंबर ऑफ द राइट ऑफ द अदर नंबर लाइन, ठीक है। अब देखो नंबर लाइन अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो ये 0 है, ये 1 2 9 मेरा यहाँ कंप्यूटेगा, ठीक है। तो 2 और 9 में से कौन राइट साइड है, 9, तो लिखना है 9 इज द राइट टू 2, 9 संख्या रेखा दाईं ओर स्थित है, इतना ठीक है। अब माइनस 3 और 8, अगर नंबर लाइन बनाती हूँ मैं यहाँ 0, पहले माइनस 3 लिखूँगी फिर 8 लिखूँगी, तो दाईं ओर कौन सा है मेरा, 3, ठीक है। तो आप इसको संख्या रेखा पे बना के भी देख सकते हो, तो 3 इज द राइट टू माइनस 8, मतलब माइनस 3 संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है। 0 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या है, 0 और माइनस 1, तो हमारे पास राइट साइड कौन सा है, 0, ठीक है, और 1 क्या है हमारा लेफ्ट साइड, तो हमने लिखा 0 संख्या रेखा के दाईं ओर है। अब माइनस ग्यारह और 10, अब जब नंबर लाइन लिखूंगी यहाँ 10 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, तो राइट साइड कौन सा है, 10 क्या है, 10। नेक्स्ट है -6 और 6, अब ये यहाँ 6 आएगा, यहाँ -6 आएगा, तो राइट साइड कौन सा है, 6, ठीक है। तो 6 इज़ अ राइट टू -6 दाईं ओर स्थित है। अब 1 और 1000 वहीं आएगा, तो 1 हमारा दाईं ओर स्थित है, ठीक है। तो दाईं बाईं देख लेना क्या होता है, दाईं हमारा 0 से जब इधर जाते हैं तो दाईं है, 0 से जब इधर जाते हैं तो हमारा बाईं है। अब लिखे नीचे दिए गए युग्म में पूर्णांक के बीच सभी पूर्णांक लिखे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है। राइट और द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर राइट देम द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज मतलब पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो 0 से 7 के बीच में, अब देखो 0 से 7 के बीच में अगर मैं नंबर देखूँ तो 0 -1 -2 -3 ऐसे नंबर आएंगे ना, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 7, तो 7 और 1 को तो लेना नहीं है हमें, ठीक है, 7 -7 और 0 को, तो आंसर क्या आएगा, पहले सबसे छोटा क्या है, -6, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -3, -2 और -1, ये हो गए हमारे बढ़ते क्रम, ठीक है। अब -4 और 4 रखते हैं, तो 3 2 1 0 1 2 और 3, -8 और 15, तो पहले क्या आता है, 15, तो 15 छोटा 14, फिर बड़ा 13, 12, 10, 9 और 8, ये क्या होगा हमारे
बढ़ते क्रम 30 और 23, 29, 28, 27, 25 और 24, ये भी क्या हो गए हमारे बढ़ते क्रम। ठीक है, अगर घटते क्रम बोलते तो हमारे उल्टे स्टार्ट हो जाते। अब लिखा 8th क्वेश्चन 8th का A पार्ट, लिखा 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्ण। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन माइनस 20। तो देखो 20 से बड़े कौन से होंगे? 19, 18, 17 और 26। ठीक है, ये होके से बड़े। अगला 20 क्या बोल रहे हैं? 10 से छोटे। 10 से छोटे मतलब -11, -12, -13, -14। याद रखना इंटीजर्स में अगर हम माइनस की तरफ के जाएंगे तो जो वैल्यू बड़ी है वो छोटी है, जो छोटी है वो बड़ी है, लेकिन हमारे पॉजिटिव ऐसा नहीं होता है। अब लिखा निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य बताओ। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग और द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब देखो लिखा संख्या रेखा पर -8, -10 के दाईं ओर स्थित है। तो -8 और -10, अब देखो संख्या रेखा ये है, यहाँ -8 आएगा, यहाँ -10 आएगा, तो दाईं ओर कौन सा स्थित है? -8, तो ये राइट है। ठीक है, लिखा संख्या रेखा पर -50, -100, -50 के दाईं ओर स्थित है। -100 इज द राइट ऑफ द -50 नंबर लाइन। अब देखो नंबर लाइन जब बनाएंगे तो पहले हमारा -50 आएगा, फिर 100 आएगा, तो बोल रहे हैं 100 है, तो 100 तो गलत है, 100 तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हमारा फॉल्स है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, बिल्कुल गलत। सबसे बड़ा ऋणात्मक हमारा पूर्णांक है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स, क्योंकि -1 हमारा सबसे छोटा है। अगर हम -100 और -1 के बीच बड़े बात करें कि कौन सा बड़ा है, तो -1 बड़ा है। क्या कौन सा बड़ा है? -1, और यहाँ बोल रहे हैं वो सबसे छोटा है, तो ये हमारा गलत है। अब बोल रहे हैं -25, -26 और -25 में से बड़ा है, मतलब -26 बोल रहे हैं बड़ा है -25 से, लेकिन उल्टा होता है -26 इज अ लार्जर देन -25, तो ये गलत है, और 25 इज अ लार्जर देन 26 इज अ करेक्ट आंसर। अब लिखा एक संख्या रेखा को खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो बच्चा बहुत इजी है, अगर आप फर्स्ट टाइम भी इनको कर रहे हो तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा कि सोचने का कि बस पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हमें किस वे में लेना है। जो नेगेटिव नंबर है वो सबसे छोटे हैं, जो पॉजिटिव है वो बड़े हैं, लेकिन नेगेटिव में जब जाओगे जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। अब बोल रहे हैं यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस तरह पहुंच जाएंगे। ड्रॉ नंबर लाइन विल वी रीच इफ वी मोर 4 नंबर ऑफ राइट टू 2। ठीक है, अब देखो हमने एक नंबर लाइन बनाई, हमें क्या बोल रहे थे, अगर मैं 2 से 4 कदम राइट की तरफ मतलब दाईं की तरफ जाऊं तो 1, 2, 3, 4, तो ये हम कहाँ पे आ जाएंगे? 2 पे। कहाँ पे आ जाएंगे? 2 पे। नेक्स्ट बोल रहे हैं यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम किस तरफ जाएंगे। विच नंबर विल बी रीच इफ वी मोर 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो नंबर लाइन है -1 से हम 4 कदम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 कदम बोल रहे हैं तो हम आ जाएंगे -4 पे। अब बोल रहे हैं यदि हम संख्या 8 -8 पर हैं और 13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में जाएंगे। देखो इसको नंबर लाइन से बना सकते हो, ये 0 है, ये -8 है, और हमारे पास हमें कहाँ जाना है? -13 पे जाना है, तो हम किस तरफ जाएंगे? बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। ठीक है, ऑन लेफ्ट साइड। इफ़ वी आर एट द 8 ऑन द नंबर लाइन इफ वी एक डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -13, तो हम कहाँ की तरफ जाएंगे बच्चा? लेफ्ट की तरफ। अब बोले यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं और -1 पे पहुंचना चाहते हैं तो हम किस दिशा? देखो नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन को माइंड में रखना है, पहले -1 और -6 यहाँ है, -6 से 1 की तरफ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? लेफ्ट की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।